वाइट रन अभी हो गया है स्टार्ट, दोनों साइड रन और उसके बीच में रास्ता जैसी बिल्लू। हम तो गुजराती में बिल्लू कहते हैं, अगर किसी को हिंदी वर्जन का इसका नाम पता हो तो आप भी बता सकते हो। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। हाय गाइस, कैसे हो? अच्छे ही हो गए ऐसी आशा रखते हैं। वेलकम टू एसवी स्पेशल। और लास्ट बार हमने एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाया था, राण की वाव, तो इस बार भी हम ऐसी ही जगह आ गए हैं, वो भी हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका नाम है धोलावीरा, जो कि हड़प्पन संस्कृति से मैच खाता है। और 3000 साल पुराना आई थिंक ये पूरा नगर है। और अभी अभी हमारी गवर्नमेंट ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में धोलावीरा को भी ले लिया है, तो थैंक यू हमारी गवर्नमेंट को। और पुराने साल में लोग कैसे सुनियोजित, जो यहाँ का हमारा नगर था वो हमें धोलावीरा में पूरा मालूम पड़ता है कि 3000 साल पहले जहाँ बाढ़ थे, नदी थे, किले बंदी थी। तो देखते रहिए एसवी स्टेशन के साथ धोलावीरा। जिसे हम तालाब कहा जाते हैं, उस हिसाब से ये तालाब बनाया गया है। तो बहुत ही और इधर भी देखो कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो हमारे कच्छ के नामांकित फोटोग्राफर अशोक गोमल जी भी हमें मिल गए। अशोक जी, आप तो कई कच्छ में पूरी जगह यानी कि इंडिया में घूमते हो, और कच्छ में भी ऐसी जगह है कि हिस्टोरिकल प्लेस है वर्ल्ड हेरिटेज में, अभी हमारा धोलावीरा का ये प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। काफ़ी धोलावीरा अच्छी सी जगह है और देखने का नज़र है कुछ और, और खास करके मैं ये बताऊंगा कि जो खावड़ा से जो हमें रोड मिला है, जो 31-32 किलोमीटर का हमें 2 संस्कृति का मिला पड़ा, तो बहुत ऐसी जगह है। हम डिस्टेंस भी काफ़ी कम हो गया है, 50% डिस्टेंस जो रास्ता है वो कम हो गया है, इसके लिए बहुत ये डेवलप होगा और ये जगह ब्यूटीफुल है। हम यहाँ पर अक्सर आते हैं, लेकिन आप भी एक बार यहाँ पर आके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। अशोक जी ने भी बोल दिया, अमित जी ने तो बोला ही था कच्छ ने देखा तो कुछ नहीं देखा, अभी सेम राशि वाले ने भी बोल दिया है अशोक भाई ने कि आप भी आइए धोलावीरा और हमारी यूरोपीय संस्कृति का दर्शन। और हमारे साथ आज है द हिंदू मैगजीन के एक रिपोर्टर मिस्टर विजय सोने जी,
काफी वैसे बिलोंग तो कच्छ से ही करते हैं लेकिन अहमदाबाद से हैं। बहुत ही अच्छे विजय जी, क्या देखा आपने आज? द हिंदू फोटो जर्नलिस्ट श्री विजय सोने जी, विजय सोने जी भी हमारा नसीब के, वो भी हमारे साथ है आज। सो विजय जी, आप तो कई बार आए होंगे धोलावी, या पहली बार आए? कुछ तो गांव है लेकिन धोलावी है, क्योंकि जो जो फोटोग्राफर है या वेडिंग प्री वेडिंग के लिए आप कई जगह घूमते ही होंगे, तो अच्छा है, आइए धोलावीरा मिल गए, बहुत खुशी हुई। अभी हम दूसरा भी शूटअप करना है। ठीक है, ओके। तभी ये पूरा शहर डट गया होगा, ये पूरे का पूरा जो आप जो देख रहे हो वो पूरा खिले खिले बंदी है। और हमने अभी ये वाला जो देखा था, ये वाला उसका पूरा यहाँ से आता है, उस हिसाब से बनाया हुआ है। ये भी देखा लायक है कि इतने साल पुराने भी हमारे जो हमें तो हमारे बुजुर्ग किया करते थे कि अन्न का जो संग्रह करते हैं तो हम घर में वो स्टोरेज करते हैं, तो उस हिसाब से ये पूरे नगर का ये जो चार दिख रहे हैं वो अन्न रखने का संग्रह करने का ये बनाया हुआ है। जैसा रिकॉर्डिंग तो हमारी जरूरत शाखा की जैसे रिकॉर्डिंग उसके हिसाब से ये अनाज रखने के लिए ये बनाया गया है। ये जो बीच में है दोनों पत्थर के बीच में, तभी तो सीमेंट नहीं था, इसमें चूना का इस्तेमाल किया गया है। ये सब मिट्टी भी नहीं है लेकिन कैल्शियम टाइप का चूना लग रहा है, मिट्टी का नहीं है। Echoing around these walls, fighting to create a song.